दोस्तों पैसों वाले एलन मस्क और मुकेश अंबानी ऐसे दो दिग्गज खिलाड़ी हैं जो दुनिया भर की दौलत की एक बड़ी राशि के बादशाह हैं। इनके पास दौलत शौहरत की कोई कमी नहीं है। एक जहां इलेक्ट्रिक कार वर्ल्ड पर राज करता है तो दूसरी तरफ जियो नेटवर्क के साथ अंबानी का सिक्का टेलीकॉम वर्ल्ड में बोलता है। ऐसे में सवाल ये आता है कि आखिर कौन अपने शौक पर दिलो जान से दौलत उड़ाता है। अगर दोनों बिजनेस कंपटीटर बन जाते हैं तो किसका पलड़ा भारी पड़ सकता है, किसकी बिजनेस स्ट्रेटजी दूसरों की मार्केट से आउट कर सकती है। तो चलिए एलन मस्क वर्सेस मुकेश अंबानी से जुड़े ये सारे सवालों के जवाब आज हम आपको देते हैं। कभी स्पेस, कभी ट्विटर, तो कभी एम्बर हर्ड को लेकर सुर्खियां बटोरने वाले एलन मस्क वो रंगीन मिजाज आदमी है जिनके पास दुनिया के सभी ऐशो आराम है। साथ ही शान ऐसी है कि पैसा और फेम अपनी जेब में लेकर चलते हैं। टेस्ला के मालिक और दुनिया के सबसे अमीर आदमी होने के साथ अगर हम उनकी तुलना अपने रिलायंस के बादशाह मुकेश अंबानी से करें तो पता चलता है कि दोनों की शख्सियत की जिंदगी में रॉयल्टी, कंफर्ट और लग्जरी कूट कूट के भरी है। ये जिस चीज पर हाथ रख दे वो उनकी हो जाती है और कई कंपनीज इनके खिलाफ खड़ी होने से भी खौफ खाती है। बात करें पैसों की तो 27,390 करोड़ यूएस डॉलर की नेटवर्क के साथ एलन मस्क टेस्ला मोटर्स के मालिक है। हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक कार मार्केट को डोमिनेट करने के साथ इनकी पहुंच स्पेस तक है। जी हां जनाब, 47.4% इक्विटी के साथ ये स्पेसएक्स कंपनी के मालिक है और केवल अर्थ पर ही नहीं बल्कि मंगल ग्रह पर भी अपनी छाप छोड़ना चाहते हैं। तभी तो नासा के साथ मिलकर ये कई प्रोजेक्ट्स पर ये काम कर रहे हैं। दौलत इनके पास इतनी है कि ट्विटर जैसे बड़े सोशल नेटवर्किंग ऐप को खरीदने का ऐलान करने से पहले भी उन्होंने दो बार नहीं सोचा। कहने को ये 45,000 यूएस डॉलर की कीमत वाले एक छोटे से घर में रहते हैं लेकिन इनकी शान और शौकत का अंदाजा इनकी गाड़ी और प्राइवेट जेट के कलेक्शन से लगाया जा सकता है। इनके गैराज में हमें 1978 BMW 328 से लेकर 1997 मैकलारेन F1, 2001 पोर्श 911 टर्बो तक कई ऐसी सुपर लग्जरियस गाड़ियां देखने को मिलती है जो कई अमीर नवाबों को भी हासिल नहीं होती। कार कलेक्शन के अलावा प्राइवेट जेट में भी इनकी दिलचस्पी इतनी ज्यादा है कि हाल ही में $80 मिलियन के गल्फ स्ट्रीम लग्जरी प्राइवेट जेट को इन्होंने अपने कलेक्शन में शामिल किया है। लेकिन इसके अलावा इनका सबसे खास जेट डासोल्ट फाल्कन 900B भी है जिससे यह अक्सर घूमना पसंद करते हैं। अब वही बात करें भारत के धन कुबेर मालिक और दुनिया के टॉप 10 अमीर लोगों में शुमार मुकेश अंबानी की, तो 9,500 करोड़ के यूएस डॉलर की नेटवर्थ के साथ रिलायंस ग्रुप का ये मालिक कई बिजनेस, बंगले और IPL टीम को चुटकियों में खरीद सकता है। ये उनके रुतबे की निशानी है कि दुनिया का सबसे महंगा और लग्जरियस घर एंटीलिया इनके पास है। विकास की जीती जागती मिसाल ये बंगला अपने आप में ही किसी शहर से कम नहीं है जहां हर लग्जरियस ब्रांड आपको मिल जाती है। इसके अलावा गाड़ियों के कलेक्शन में भी इनकी रईसियत साफ झलकती है क्योंकि ये अपने पास एक दो नहीं बल्कि गाड़ियों का पूरा फ्लोर रखते हैं जिसमें कुल 168 गाड़ियां उनके गैराज की शोभा बढ़ा रही है, जिनमें रोल्स रॉयस, एस्टन मार्टिन, बेंटली से लेकर हेवरली 45 गाड़ियां इनकी जेड प्लस सिक्योरिटी के लिए खड़ी रहती है। और वहीं जब बात विदेशी दौरे की आती है तो आसमान में उड़ान भरने के लिए ये एयरबस A319, फाल्कन 900X और बॉइंग बिजनेस जेट जैसे कई प्राइवेट जहाज ये ओन करते हैं। रईस होने के नाते ये ना केवल देश के कई सेक्टर को इन्फ्लुएंस करते हैं बल्कि टेलीकॉम सेक्टर पर अपनी डोमिनेंस बनाकर चलते हैं। आप कह सकते हैं कि अंबानी और एलन मस्क के बीच फर्क रॉयल लाइफस्टाइल से ज्यादा शौक का है। हमारे अंबानी साहब भले ही इडली डोसा खाने वाले परिवारवादी इंसान है लेकिन इनके शौक काफी आलिशान है। बात चाहे फिर अपने बच्चों की ग्रैंड वेडिंग कराने की हो, पोते की ग्रैंड बर्थडे पार्टी की या फिर अपनी बीवी को करोड़ों का यार्ड गिफ्ट करने की, ये पैसा खर्च करना बखूबी जानते हैं। और तो और हाल ही में अपने बेटे को दुबई में करोड़ों का फ्लैट इन्होंने शौक से गिफ्ट किया है।
इनकी रईसी और पैसा पानी की तरह उड़ाने की आदत का अंदाजा हम हर साल होने वाले आईपीएल से भी लगा सकते हैं। वहीं मटेरियलिस्टिक चीजों की तरफ ऐसा लगाव एलन मस्क में नहीं है। 51 साल की उम्र में भी एलन मस्क की रंगीन मिजाजी पर्सनालिटी है। पार्टीज, वेकेशन और ड्रिंक्स का शौक इन्हें भले ही नहीं है, लेकिन इन माशे की 3 बीवियां रह चुके हैं, जिनसे उनके 6 बच्चे हैं। और इसके अलावा जॉनी डेप की पूर्व पत्नी एम्बर हर्ड भी इनकी गर्लफ्रेंड रह चुकी है। महिलाओं से ऐसी दिल लगी होने के अलावा ह्यूमैनिटी के लिए भी ये काफी हमदर्दी रखती है। तभी तो दुनिया भर की दौलत कमाने के बाद भी उसे चैरिटी में इन्वेस्ट कर देते हैं। ये महाशय उन बिलियनर्स में से है जो अपनी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा सोशल कोज के लिए दान देने में विश्वास रखते हैं, और यही इनकी पर्सनालिटी को बाकियों से हटकर बनाती है। कहने को इन दोनों हस्ती के बिजनेस मॉड्यूल और सेक्टर एक दूसरे से हटके हैं, लेकिन जल्द ही हमें इनके बीच भी संग्राम देखने को मिल सकता है, और ये संग्राम कस्टमर के बीच नेटवर्क पहुंचाने को लेकर हो सकता है। अब माजरा यह है कि अपने मजबूत नेटवर्क के लिए मशहूर जियो को एलन मस्क का स्टारलिंक टक्कर दे सकता है। एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस स्टारलिंक अगर भारत में कदम रखता है तो उसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी रिलायंस जियो होगा। एलन मस्क का सपना है कि वह स्टारलिंक नेटवर्क सैटेलाइट के जरिए दुनिया के हर कोने तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है, सैटेलाइट नेटवर्क जियो के ब्रॉडबैंड से फास्ट स्पीड देकर इसके कस्टमर्स को अपनी ओर खींच सकता है। ऐसे में स्टारलिंक इंडियन मार्केट में एलन मस्क का दबदबा बढ़ा सकता है, लेकिन जियो भी स्टारलिंक को पछाड़ने की पूरी तैयारी में है। भारतीय मार्केट में अपनी जागीर बरकरार रखने के लिए जियो ने भी खुद की सैटेलाइट स्पेस ब्रॉडबैंड को लॉन्च करने की घोषणा कर दी है। ऐसे में जल्द ही सैटेलाइट नेटवर्क के साथ अंबानी और एलन मस्क के बीच टेक्नोलॉजी क्लैश हो सकता है। हालांकि हाई टेक्नोलॉजी के साथ ग्लोबल मार्केट में एलन मस्क बाजी मार जाते हैं, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि इंडियन मार्केट में किसका नेटवर्क ऑडियंस के बीच अपनी जगह बना पाता है। आखिर अंबानी और मस्क की टक्कर में कौन मार्केट को डोमिनेट कर पाता है, और किसका जादू दूसरे कंपटीटर को मार्केट से आउट करता है। दोस्तों, एलन मस्क वर्सेस अंबानी की लाइफस्टाइल में आपको सबसे बड़ा फर्क क्या नजर आता है, और उनकी कौन सी आदत ने आपको इम्प्रेस किया है, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी रोचक जानकारियों के लिए फॉलो करें हमारे पेज को, और ऐसे और भी वीडियोस को YouTube पर देखने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक पर जाके आप देख सकते हैं। धन्यवाद।